एबीपीएस न्यूज सच का साथी। मिर्जापुर जिला कलेक्ट्रेट परिसर में जनपद मिर्जापुर के प्रधानों ने खंड विकास अधिकारी नारायणपुर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नारेबाजी और प्रदर्शन के बाद जिलाधिकारी मिर्जापुर अनुराग पटेल को प्रधान संघ के जिलाध्यक्ष अखिलेश सिंह के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के मुताबिक पीटीओ के स्थानांतरण की मांग व अन्य अनियमितताओं का हवाला देते हुए प्रधानों ने कहा कि प्रधानों के साथ ब्लॉक पर दुर्व्यवहार किया जा रहा है जो बर्दाश्त के बाहर है। आपको बताते चलें कि धरातल पर सरकारी योजनाओं को लाने में ग्राम प्रधानों का सबसे बड़ा योगदान होता है, उसके बावजूद भी ग्राम प्रधानों के स्वार्थ में सरकारी मशीनरी के अधिकारी दुर्व्यवहार करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे में आने वाले समय के अंदर सरकारी योजनाओं को धरातल पर लाने वाला कौन होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। इस सवाल का इंतजार हर गांव की जनता कर रही है कि आखिर सांसद और विधायक जब कुछ नहीं करते और प्रधान जो भी विकास के काम करता है उसे नजरअंदाज कर दिया जाता है, इसके बाद गाँव के विकास की जिम्मेदारी किसकी होगी। मांग एक्चुअल में हमारा इस समय मीटिंग चल रहा है 24 सितंबर को, हम लोग अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन यूको गार्डन लखनऊ करने जा रहे हैं। इसी संदर्भ में हम ब्लॉक वाइज मीटिंग कर रहे थे, तो कल परसों हमारे यहाँ 2-3 दिन पहले नारायणपुर ब्लॉक में प्रधान साथियों के साथ हमारी मीटिंग हुई काम के लेकर के कि ये काम कराया जा रहा है, कामों में पारदर्शिता हो और होनी भी चाहिए। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जितने भी कार्यक्रम हैं हमारा पूरा ब्लॉक ODF हो चुका है, तो 24 तारीख के संदर्भ में एक ब्लॉक पे हम लोग मीटिंग रखा गया हमारे प्रधान संघ अध्यक्ष बजरंग बली के नेतृत्व में। तो वहाँ पे जब रखा गया तो ब्लॉक परिषद के अंदर कहीं भी बैठने को प्रधान साथियों की जगह नहीं है। ADO पंचायत से बोला गया तो वहाँ कई ठुरू में हर ब्लॉक में खाली पड़े हैं, जिसमें कि कीड़े मकोड़े जीव जंतु जहरीले जीव जंतु भी वहाँ सब आवास अपना बना लिए हैं। तो एक कमरा खोला गया, साफ सुथरा कराया गया, हमारे प्रधान साथी स्वयं झाड़ू लेकर के 2-3 घंटे अपना साफ सुफ किए। तो ADO पंचायत बोले कि आप BDO साहब से पूछ लीजिए, तो BDO साहब के पास जब गए हमारे बजरंग बली प्रधान संघ के अध्यक्ष, तो BDO साहब कहे कि प्रधानों के लिए ब्लॉक में कोई जगह नहीं है, आप बाहर कहीं किराए पे कमरा लेके रहिए, आप नहीं रहेंगे यहाँ पे। तो ये हुआ क्यों आप बताइए, एक कमरा तो हम लोग ले लिए हैं, साफ उफ कर लिया गया है, उसी में ही महाशय सबको बुला दिए, CO को बुला दिए, SDM साहब को बुला दिए। तो हम ज्ञापन देने जिलाधिकारी को आए हैं कि इनके साथ हम काम नहीं करेंगे। अगर ये ब्लॉक परिसर में ग्राम पंचायत के लिए ब्लॉक बनाया गया है, ग्राम पंचायत के समस्याओं को निदान करने के लिए ब्लॉक बनाया गया है, अगर ग्राम पंचायत न होता तो विकास खंड की स्थापना क्यों कराई गई। अगर हमको वहाँ बैठने का जगह नहीं है तो ग्राम पंचायत में BDO साहब अगर जाएंगे, चाहे नरेगा का काम हो, चाहे प्रधानमंत्री का आवास का काम हो, चाहे शौचालय का काम हो, तो ये हमारे ग्राम पंचायत में जाने के अधिकारी नहीं है। हम इनके साथ बिल्कुल काम नहीं करेंगे और जब तक ये यहाँ से हमारे नारायणपुर ब्लॉक से हटाए नहीं जाएंगे, हम प्रधान साथी लामबंद हैं, कोई काम नहीं करेंगे, सारे कार्यों का बहिष्कार करेंगे। अगर इनको नहीं हटाया जाता है तो पूरे जनपद में प्रधान साथी कार्य का करेंगे बहिष्कार। ABPS न्यूज सच का साथी।